हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मिलकर आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है जो लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में फेसबुक की एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो कि शायद ही आप में से किसी को मालूम होगी। उस सेटिंग का अगर आप टर्न ऑफ करते हैं तो हो सकता है जो आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाए। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपने एक बात नोटिस की है, अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर कुछ चीज़ें सर्च करते हैं और वही चीज़ें कुछ समय बाद आपको फेसबुक के होम पेज पर दिखाई देते, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो सभी अपना डाटा फेसबुक के साथ शेयर करते हैं। इसी वजह से जो भी चीज़ें आप वहाँ पर देखते हैं वही चीज़ें आपको फेसबुक पे होम पेज पर दिखा देते हैं। इसे हम टारगेट एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। एक और बात गाइस, अगर आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं और उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपसे आपके ईमेल आईडी या फेसबुक का एक्सेस मांगते हैं और आपने उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपने फेसबुक का एक्सेस दे दिया, तो जो भी चीज़ें आप इस वेबसाइट में देखते हैं, जो भी चीज़ें आप इस वेबसाइट में सर्च करते हैं, वो सभी चीज़ों का कलेक्शन फेसबुक अपने पास कर लेता है। और इतना ही नहीं, अगर आप अपने स्मार्टफोन में कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए भी कुछ चीज़ों का एक्सेस देना पड़ता है, जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फेसबुक का लॉगिन आईडी। अगर आप उस एप्लीकेशन को फेसबुक के द्वारा लॉगिन करते हैं तो जो भी चीज़ें आप उस एप्लीकेशन में सर्च करते हैं, देखते हैं, वो सभी चीज़ें फेसबुक अपने पास कलेक्ट कर लेता है। और इतना ही नहीं, फेसबुक दूसरी तरह से भी आपका डाटा कलेक्ट करता है, जैसे कि आपकी लोकेशन हो गई, आपका बहुत ही ज़्यादा पर्सनल डाटा फेसबुक उन एप्लीकेशन के द्वारा अपने पास कलेक्ट कर लेता है। तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊँगा, अगर आप चाहते हैं आपका डाटा फेसबुक के पास ना जाए तो मैं आपको जो सेटिंग बताने वाला हूँ उसे आप जरूर कर दीजिए। तो चलिए अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको वो सेटिंग बता देता हूँ। सो गाइस, मैं अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। आपको सबसे पहले अपने फेसबुक ऐप को ओपन करना होगा। मैं ओपन कर रहा हूँ। जैसे आप अपने फेसबुक ऐप को ओपन करेंगे, आपको मेनू में जाना है, जो थ्री लाइन बनी है उधर क्लिक कीजिए। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग एंड प्राइवेसी। वहाँ पर क्लिक कीजिए। सेटिंग और प्राइवेसी क्लिक करने के बाद आपको एक सेटिंग का स्पेशल ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उधर क्लिक करना होगा। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा परमिशन का, और परमिशन के अंदर आपको ऑफ फेसबुक एक्टिविटी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उधर क्लिक करना होगा। जैसे आप ऑफ फेसबुक एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और जो आपको ऊपर एप्लीकेशन दिख रहे हैं वो सभी एप्लीकेशन अपना डाटा फेसबुक के साथ शेयर करते हैं। आपको यह नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, व्यू एंड मैनेज एक्टिविटी, इधर क्लिक करना होगा। एक मिनट, हाँ, जैसे क्लिक करते हैं आपको सभी एप्लीकेशन दिखने को मिल जाएगी कि कौन सी एप्लीकेशन आपका डाटा फेसबुक के साथ शेयर करते हैं। और आपको उस एप्लीकेशन के ठीक साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा टर्न ऑफ का, आपको उधर क्लिक करना होगा। जैसे आप उस एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं टर्न ऑफ पर, तो वो एप्लीकेशन यहाँ से हट जाएगी, मतलब अभी वो एप्लीकेशन अपना डाटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं करेगी। चाहे तो आप सभी को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट एक्टिविटी टू टर्न ऑफ का, वहाँ पर क्लिक कीजिए और आप जो भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं जो कि अपना डाटा फेसबुक के साथ शेयर ना करे, टिक कर दीजिए। और जैसे आप टिक करेंगे, यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा टर्न ऑफ फ्यूचर एक्टिविटी, आपको उधर क्लिक करना होगा। और एक और बात, आपको टर्न ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको उधर क्लिक करना होगा। और जैसे आप टर्न ऑफ पर क्लिक कर देंगे तो वो एप्लीकेशन यहाँ से हट जाएंगे, मतलब अभी वो एप्लीकेशन अपना डाटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं करेंगे। सो गाइस, यही प्रोसेस थी। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उस एप्लीकेशन को टर्न ऑफ करते हैं तो आपको जो भी एप्लीकेशन आपने टर्न ऑफ किए वो एप्लीकेशन आपका डाटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं करेंगे। सो बस इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबको पता चलनी जरूरी है। सो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जल्दी अगले वीडियो मिलने का वादा करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।